बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारे वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, फेसबुक पे जाके या तक ऐप पे जाके भी आप देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता आपकी जन्म तिथि के अनुसार। तो शुरू करते हैं मूलांक एक वालों से, यानी कि जिनका जन्मदिन एक तारीख को, 10 तारीख को, 19th को या 28th को होता है, आपका जो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, यानी कि जिनका जन्म तिथि अब जब हम जोड़ते हैं टोटल 1 आता है, 1, 10, 1, 28 को प्लस करोगे तो आएगा 1, 10, 1 बन जाता है। तो जिनका 1 टोटल बनता है उनके लिए ये बातें हैं। तो आपका जो आने वाला हफ्ता करियर के लिए, हेल्थ के लिए और रिलेशनशिप के लिए कैसा है। करियर वाइज आपकी न्यू डायरेक्शन, आप नए रास्ते में जा सकते हैं, जो भी आपकी लाइफ में कमियां चल रही हैं, जो आप मिस कर रहे हैं चीज़ें, वो इम्प्रूव हो सकती हैं, कोई नई दिशा आपके लिए खुल सकती है। हो सकता है आप किसी और रास्ते जा रहे हैं और आपको कोई और दिशा मिल जाए, तो कोई ऐसी दिशा आपके लिए खुल सकती है शायद जिसके बारे में आपने ख्याल नहीं किया हो। कोई नया इनकम रिसोर्सेज आपके लिए खुल सकते हैं, तो कोई नया रास्ता खुल सकता है। और ये हफ्ता आपके लिए अपनी कमियों को सुधारने के लिए भी है। स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, खासकर अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि कोई परेशानी जो है, आपकी कोई थॉट है या कोई विचार है या कोई ख्वाहिश है जो आपको तंग कर रही है, तो हो सके अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ ग्रीन चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने घर में ग्रीन प्लांट्स रखिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। और लेकिन रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे, लोग आपके साथ रहेंगे और आपकी साथ खड़े भी रहेंगे और आपके लिए एफर्ट्स भी लगाएंगे, तो कुल मिला के आपको हेल्थ का अपनी ध्यान रखना है, बट आपके नए रास्ते, न्यू डायरेक्शंस खुलेंगे, नए इनकम के रिसोर्सेज भी आपके खुल सकते हैं। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 27th October। अब बात करते हैं मूलांक दो की, यानी कि जिनका जन्मदिन 2 तारीख को, 11 को, 29 को या 20th को होता है, आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है टैरो कार्ड्स के अनुसार। आपके लिए करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। थोड़ा मूलांक दो वालों, यानी कि आप पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है, आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। आप हो सकता है अपने आसपास किसी की हेल्थ को लेके परेशान हैं, आप अपने आसपास किसी अपने की परेशानी को लेके परेशान हो सकते हैं, तो आप उसकी परेशानी भी अपने सिर पे ले सकते हैं। तो एक जिंदगी में एक चीज़ समझिए, आप किसी को खुशी तो दे सकते हैं बट उसकी परेशानी लेके उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करिए उनकी हेल्प करने की, बट उनका स्ट्रेस अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस आप पे बनता इस हफ्ते दिख रहा है। हो सके तो अपने घर में आपके बेड के नीचे देखिए, कुछ बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं है, बेड के अंदर कोई सामान तो नहीं है, तो अननेसेसरी सामान अपने बेड के अंदर से ज़रूर निकालिए, क्योंकि आपका स्ट्रेस जो है कहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ आप एफर्ट्स लगाएंगे अपने करियर में, मेहनत करेंगे, मेहनत आपका साथ भी देगी और आगे की कंपैरेटिवली इस हफ्ते आपकी मेहनत ज़्यादा लगने वाली है। आपकी अपनी हेल्थ तो अच्छी है पर लोगों के कारण आप थोड़ा सा तनाव में रह सकते हैं। आपके लिए जो लकी डेट है वो रहेगी 29th October। अब बात करते हैं मूलांक तीन की, जिनका जन्मदिन 3 को, 12 को, 21 को या 30th को होता है, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा टैरो कार्ड्स के अनुसार। आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपका बहुत अच्छा समय चलने वाला है। करियर में आपकी पैसों की ग्रोथ है, कोई अगर कहीं अमाउंट फंसी हुई थी वो मिल सकती है, किसी ने उधार लिया हुआ तो वो वापस मिल सकता है, बट आपको थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, बिन बैठे बैठे तो आपको कोई उधार नहीं वापस देगा, तो एफर्ट लगाइए। कोई पैसा, रुका हुआ पैसा आपके पास इस हफ्ते आ सकता है। आपकी ग्रोथ का भी टाइम दिख रहा है, जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं उनको इनकम रिसोर्सेज उनके बढ़ सकते हैं इस हफ्ते। कुछ मनी आपके खर्चे भी होंगे बट आपके पास पैसे आएंगे भी, तो खर्चे भी दिख रहे हैं बट पैसे भी आपको मिलेंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। रिलेशनशिप में हो सके तो अननेसेसरी चीज़ों पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, फालतू में आर्ग्यूमेंट से बचिए, जहाँ आपको लग रहा है यहाँ बात नहीं बन सकती वहाँ मत अपना टाइम वेस्ट करिए। तो इस हफ्ते आपको अपना रिलेशनशिप में टाइम नहीं वेस्ट करना है, जो आपकी बात सुन रहा है उसे ही समझाने की कोशिश करें। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहेगी 30th October। अब बात करते हैं जिनका जन्मदिन 4, 13,
31 या 22 को होता है मूलांक चार वालों, आपका करियर बहुत अच्छा जाने वाला है। इस हफ्ते लाइमलाइट में आने का टाइम है, आपका हफ्ता बहुत ही परफेक्ट है, कार्ड्स आपके साथ हैं, किस्मत आपके साथ है। रिलेशनशिप में भी आप अगर कुछ वेट कर रहे थे आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, करियर में लाइमलाइट में आ सकते हैं, मतलब जो आप काम कर रहे हैं लोगों की नज़रों में आ सकता है, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ी मीडिया अटेंशन भी मिल सकती है, तो मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, नज़रों में आएंगे। तो कुछ वीडियोज के रिलेटेड काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो भी ऐसा काम है जिसमें आपको मीडिया अटेंशन चाहिए उसमें आपको इस हफ्ते ज़रूर मिलेगी। आपका हेल्थ भी साथ देगी, रिलेशनशिप भी इस हफ्ते साथ देंगे और आपका करियर भी इस हफ्ते और ऊंचाइयों पर जाएगा। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपका बहुत ही अच्छा है और आपके लिए लकी डेट जो रहेगी वो रहेगी 26 अक्टूबर। अब देखते हैं मूलांक पांच वालों, जिनका जन्मदिन 5, 14 या 23 को होता है, आपके लिए यह हफ्ता करियर वाइज, हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज कैसा है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। करियर वाइज आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके बॉस भी आपको सपोर्ट करेंगे, जो आप टारगेट सेट करेंगे वो भी आपके अचीव होंगे। बिजनेस में भी आपका अच्छा टाइम जाएगा, आपको अच्छी मार्जिन मिलेगी, लोग आपका सामान खरीदेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी से काम रिलेटेड करते हैं उसमें भी कुछ आपकी बात बन सकती है। हेल्थ भी इस हफ्ते आपका साथ देगी, एनर्जी आपकी हाई रहेगी, किस्मत आपका साथ देगी और रिलेशनशिप भी आपके अच्छे रहेंगे, यानी कि लोग आपकी तरफ थोड़े से सॉफ्ट होंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, जो लोग थोड़े दूर भी रहते थे वो भी अब आपके पास आएंगे और आपकी जो कदर है इस हफ्ते पहचानी जाएगी। कुल मिला के ये हफ्ता आपके लिए एकदम नंबर वन है, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी वो रहने वाली है 27 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 6 की, जिनका जन्मदिन 6, 24 या 15 को होता है, आपके लिए यह हफ्ता करियर वाइज, हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। करियर वाइज अच्छा है, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। जो आपके काम रुक रहे थे, जिनमें अड़चनें आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, अब वो खत्म हो जाएंगी। अब आप जैसे किसी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, कोई डील फाइनल करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो डील फाइनल होगी। बच्चे जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अपनी पढ़ाई में उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के करियर में, स्टडीज में आपका टाइम अच्छा जाएगा। जो आपकी जॉब में रिलेटेड आपको टास्क मिलेंगे वो भी पूरे होंगे, बॉस आपके काम से खुश होगा। तो आपका करियर वाइज काफ़ी अच्छा समय है, बट हेल्थ में थोड़ा ध्यान देना है। आपके कुछ बैक के रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक या एसिडिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खाने पीने का ध्यान दीजिए, कुछ परहेज नहीं किया तो मुश्किल आपको हो सकती है। हेल्थ वाइज आपको ध्यान देना है, प्रॉब्लम में आप हेल्थ वाइज ना आ जाएं, इसलिए ध्यान रखिए। रिलेशनशिप वाइज भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जितना हो सके बात को क्लियर कीजिए। ये मत सोचिए अगला इंसान आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ले, क्योंकि वो नहीं समझेगा। तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जितना हो सके टाइम ना बढ़ाएं, जहां भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है वो जगह छोड़ दीजिए, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए, उसे ख़त्म कर दीजिए। इस हफ्ते अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। आप येलो कलर की बॉटल में पानी पी सकते हैं, येलो हैंकी अपने पास रख सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला। येलो क्लोथ ज़्यादा से ज़्यादा पहने। आपके लिए जो लकी डेट रहेगी 28 अक्टूबर रहेगी। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों की, जिनका जन्मदिन 7 तारीख को होता है, 16 को होता है, 25 को होता है, आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 वालों, आपके लिए करियर वाइज, हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज टाइम कैसा है, आपको ध्यान रखना है। अपनी गलतियों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मार दीजिए। आप ओवरथिंक कर सकते हैं, सिचुएशन इतनी बुरी होगी नहीं जितना आप सोच के उसको बुरा बना सकते हैं। आप दिमाग के धनी हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि शक जो है कई बार हमारे लिए गड्ढा हम खुद ही खोद लेते हैं। तो ऐसा आपके साथ इस हफ्ते हो सकता है। किसी भी चीज़ पे ज़्यादा एक्सट्रीम पे मत जाइए, किसी पे बहुत शक मत कीजिए, किसी को ऐसी दूसरी निगाहों से मत देखिए कि इसलिए मेरे लिए कुछ और सोच रहा है, क्योंकि आप कुछ ऐसे दिमाग में थॉट प्रोसेस आप रख सकते हैं जो आपको ही इम्पैक्ट करेगा। तो थोड़ा सा ईजी लीजिए ये हफ्ता। कोई मेजर डील मत फाइनल कीजिए। रिलेशनशिप में भी कोई आपको धोखा दे सकता है, आपको लगेगा जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं, जिस पे नहीं भी विश्वास कर रहे, कोई थर्ड इंसान आपको इस हफ्ते कहीं थोड़ा दुख पहुँचा सकता है। तो आप अगर जितना हो सके अपने में मस्त रहिए, ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व मत होइए, कोई नया काम मत कीजिए, जो पुराने काम हैं उन्हीं को कंप्लीट कीजिए। तो ना नए लोगों से ज़्यादा मिलिए, ना नए या नए लोगों को अपने काम में भी आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए। हो सके तो इस हफ्ते आप नमक वाले पानी से नहाइए, आपका ऑरा क्लेंज होगा, आपका दिमाग भी जो है वो फ्रेश होगा। तो इनके लिए जो लकी डेट रहेगी, अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप
26 अक्टूबर को कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 8 की, जिनका जन्मदिन 8 को होता है, 26 को या 17 को होता है। आपके लिए हफ्ता करियर वाइज कैसा रहेगा और ऑल ओवर आपका अच्छा जाने वाला है। आप इस हफ्ते जैसे आप दया काफ़ी दान पुण्य में बिलीव करते हैं नंबर 8 वाले, तो अगर आप 8, 26 या 17 को पैदा हुए हैं तो हो सके तो किसी 3 लोगों को इस हफ्ते खाना खिलाइए। खाना अगर हो सके घर का बना हुआ खाना हो, अगर आप खुद बना सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर में किसी से बनवा लीजिए और किसी 3 लोगों को आप खाना खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खासकर अगर कोई सफ़ेद चीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं, मिठाई आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, खीर बना के दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 ज़रूरतमंद लोगों को आप खाना खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, काम आपके अच्छे बनेंगे। अपने इंट्यूशन को आप सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत बार गाइड करेगी। आप बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, ना किसी पे बहुत ज़्यादा गिरेंगे और ना ज़्यादा किसी से पीछे हटेंगे, तो एक बैलेंस अप्रोच आप इस हफ्ते अपनाएंगे जो आपके लिए अच्छी रहेगी। और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहने वाली है, एनर्जी आप में पूरी रहने वाली है, तो ऑल ओवर आपका जो हफ्ता है नंबर 8 वालों अच्छा चलेगा। पर 3 लोगों को इस हफ्ते ज़रूर खाना खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और लकी डेट जो आपके लिए रहेगी वो रहेगी 29 अक्टूबर। अब बात करते हैं मूलांक 9 की, जिनका जन्मदिन 18 या 27 को होता है। आपके लिए करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा? करियर वाइज एकदम एक्सेलेंट आपका हफ्ता है। कोई नया काम करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, जो काम करेंगे अच्छे से पूरे होंगे। कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट लटका हुआ पूरा हो सकता है, कोई डिले हो रही खबर अब आपको मिल जाएगी, तो जिस खबर की बहुत देर से वेट कर रहे थे वो इस हफ्ता मिल सकती है। कोई खुशी का अवसर आपके पास इस हफ्ते करियर से रिलेटेड आ सकता है। हेल्थ में थोड़े से पैसे लग सकते हैं, हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ वाइज आ सकती हैं। रैश ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिए। और आप रिलेशनशिप में हो सके तो कहीं झूठ मत बोलिए, जहां आपने इस हफ्ते झूठ बोला आप पकड़े जाएंगे। तो जितना हो सके सच का सामना कीजिए और सच बोल बोलिए, क्योंकि जहां आपने झूठ बोला नहीं और इस हफ्ते आप पकड़े जाएंगे, तो ज़रा ज़ुबान पे सच्चाई को ही लेके आइए। आपके लिए लकी डेट जो रहेगी वो रहेगी 30 अक्टूबर। तो ये था कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 का आने वाला हफ्ता। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।